अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम्हारे मैथ्स के टीचर कैसे हैं? दूसरा दोस्त मासूमियत से बोला कि आदमी तो शरीफ है, लड़कों को मारते भी नहीं मगर एतबार के काबिल मालूम नहीं होते। कल कह रहे थे 5 और 5 10 होते हैं और आज कहते हैं कि 6 और 4 10 होते हैं। जानवरों के अस्पताल में ना अलग ही चक्कर होता है। रजिस्टर्ड में नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवरों की, जैसे नाम अल्ताफ और बीमारी दुम में सूजन। बात इज्जत की थी वरना आज सड़क पर 1000 का नोट पड़ा हुआ बिल्कुल असली था। सुना है अब वो स्कूल में पढ़ाती है और मेरे नाम के बच्चों को बगैर वजह के बहुत मारती है। जब घर में आपकी शादी की बात हो रही हो और आपकी पप्पो बोले कि अभी तो इसकी उम्र क्या है, छोटी सी तो है, ले आप सास बेटी तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? बहू मुझे ना पसीना आता है और चक्कर भी आते हैं। लो जी बताओ सर दर्द कैसा है? अब मैं बह जाओ आराम नाल, मैनू पैराडोल नाल ही आराम आना है। बड़े आए प्लास्टिक की आशिक। हमारी शिकायत हमसे करना और हमारी कोई ब्रांच नहीं है, शुक्रिया यही बताना था। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। लगता है मेरे आने से ना किसी की बात बिगड़ गई है। आने वाले वक्त में बीवियां अपने शौहरों से इस तरह लड़ेंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आपके इनबॉक्स में चली गई थी। शर्मीले लोगों से एक बारी दोस्ती हो जाए ना तो पता चलता है कि उनसे बड़ा बेशर्म तो कोई है ही नहीं। A little change in the weather. Le fir me. इधर लंडे के शॉपिंग के लिए पैसे नहीं है, उधर ब्रांड वाले हमें विंटर कलेक्शन के मैसेजेस भेज रहे होते हैं। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, मेरी शादी पर अपना अपना लंच बॉक्स सब ने लेकर आना है। आज तो हद हो गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे कुले नहीं है, एक इंजेक्शन और लगवा लो। वही हुआ जिसका डर था। जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट फूड बिरयानी बाहर के खाने नहीं खाते हैं, तारीख गवाह है कि जिंदा वो भी नहीं रहते, वो भी मर ही जाते हैं। इसीलिए खाओ पियो मौज उड़ाओ, आराम करो, जब दिल करे सो जाओ, जब दिल करे उठ जाओ, जो जी में आए खाओ मौज उड़ाओ। पूछना ये था कि कब तक जलसा या धरना जो भी है कब तक चलेगा? हम दोस्तों ने मुश्किल से मरी का प्लान बनाया था जो हर दफा कैंसिल हो जाता है। पाकिस्तान के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में लाइब्रेरियां हैं लेकिन अलमारियों को ताला लगा हुआ है ताकि किताबें भाग ना जाए ना। मैं मोबाइल चलाते हुए बहुत क्यूट लगती हूँ, मेरे घर वाले मुझे ही देखते रहते हैं फिर घूर घूर के। मैंने अक्सर हसीन लड़कियों को ना रक्षे में बैठ के अपने काले काले पाँव चबाते देखा है। चपली कबाब में चप्पल नहीं होती, रूह अफजा में रूह नहीं होती, मेरी शादी की बात होती है मगर शादी होती कोई नहीं। मैंने एक शादीशुदा आदमी से सवाल किया कि एक शोहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? आदमी क्योंकि जब वो किसी मुसीबत में होता है ना तब वो अपनी बीवी की तस्वीर निकाल के देखता है और सोचता है कि अगर मैं इसको फेस कर सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। प्यार करने से बेहतर है कि बंदा कमेटी डाल दे, यकीन तो होता है ना कि हमारी है और हमको ही मिलेगी। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारी शादी भी करवा देगा ना, ऐवे मरन ना लग जाया करो सारे के सारे। शादी में अगर अच्छे खाने के बाद रिश्तेदारों की लड़ाई भी देखने को मिल जाए ना तो शादी का मजा वाह 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 दोबाला हो जाता है बिल्कुल। लड़कियों की शॉपिंग, दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया, लड़की बाई और दिखाएं, दुकानदार बाजी इनके अलावा कफन लेना है। खुशखबरी, गवर्नमेंट का सर्दियों में ना बर्फ सस्ती करने का फैसला, और क्या चाहिए जालमो। एक
पागल दूसरे पागल से, पहला पागल तुम किस रोज पैदा हुए, दूसरा पागल इतवार वाले रोज, पहला पागल तुम मुझे पागल समझते हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। रिश्ते आप पसंद आए या ना आए, लेकिन ये सुनकर बड़ा मजा आता है कि फलानी जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है। सच बोलो झूठ लगता है, झूठ बोलो मजाक लगता है, मजाक करो बुरा लगता है, नहीं तो बंदा क्या करे। हाँ इंसान 3 हफ्ते खाना खाए बगैर और 3 दिन बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन 3 मिनट अगर इंटरनेट ना चले तो इंसान की मौत वाकिया हो सकती है। अक्सर मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, अगर बन जाए तो फिर सारे खानदान की नहीं बनती। सरकारी नौकरी और बीवी दोनों को बंदा रोता भी रहता है और छोड़ता भी नहीं, मुझे तो इसमें सच्चाई लग रही है वैसे। अनारकली उठो, पेटी से रजाइयां निकालो, सर्दियां आ गई है ना। किताबें पढ़ाने वाले को तो चलो उस्ताद कहते हैं, लेकिन ये जो पट्टियां पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारे बिना सांस नहीं आती, आई लव यू मेरी। डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि तन्हा आए मरीज को कैसे बताएं कि उसकी हालत नाजुक है। बहुत सोच समझकर वो बोले कि अगर मोबाइल से कुछ डिलीट करना है तो कर लो। जिंदगी में कुछ मेरा हो या ना हो, नहीं ये हमेशा गलती मेरी ही क्यों होती है। तो मेरे शोने मोने निके निके वेले वेले व्यूअर्स वीडियो खत्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरी नई आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते रहना है, बड़ा मजा आता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।